अगर लाइफ में कोई मेरे से पूछे कि धरती पर अगर आपको हेवन एक्सपीरियंस करना है तो कहाँ घूमने जाया जाए, तो शायद मेरा आंसर होगा सोनमर्ग, द मिडो ऑफ गोल्ड इन कश्मीर। वैसे तो कश्मीर पूरा ही बहुत सुंदर है, लेकिन एक ऐसी जगह कश्मीर में जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करी एंड उसको एक्सपीरियंस करके आई कैन से दैट इट इज़ स्ट्रेट आउट ऑफ अ हेवन। एंड यस, आई एम टॉकिंग अबाउट थाजवास ग्लेशियर इन सोनमर्ग। एंड इन दिस वीडियो यू विल सी दैट अनबीटेबल नेचुरल ब्यूटी थ्रू माई वीडियो वर्चुअली। सोनमर्ग जो है श्रीनगर से कुछ 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, 2 से 3 घंटे ईजिली लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। एंड राइट नाउ द टाइम इज़ 9 बजे हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। हमसे मेरा मतलब नहीं सर एंड हमसे मेरा मतलब है कि हमारा पूरा जो ग्रुप है, ये आप देख सकते हो पूरा अभी सामान वगैरह लगेज वगैरह रखा जा रहा है बस में, एंड देन विल डिपार्ट फ्रॉम हियर। एंड बाय द वे, जिन्होंने पहले वीडियोस नहीं देखे उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ देख लेना। पहले दिन हमने श्रीनगर को एक्सप्लोर करा था, दूसरे दिन हमने गुलमर्ग को एक्सप्लोर करा था, आज सोनमर्ग में हमारा स्टे भी है, दैट्स व्हाई वी आर चेकिंग आउट फ्रॉम हियर। और गुलमर्ग में हमारा ओवरनाइट का स्टे नहीं था, एक दिन का पूरा ट्रिप था वो, तो बट सोनमर्ग में हम स्टे करेंगे आज। तो क्या अपने हाथों से बिल्कुल सो श्रीनगर से सोनमर्ग ऑन द वे आपको बहुत सारे सीनिक पॉइंट्स मिलेंगे। एंड सच कहूँ, रास्ता इतना ज़्यादा सुंदर था कि मन कर रहा था कि बस हर एक पॉइंट पर रुकते हुए जाए, एंड बहुत मज़ा आया, जर्नी बहुत ही सुंदर है। एंड अबाउट द चार्जेस ऑफ श्रीनगर टू सोनमर्ग प्राइवेट टैक्सी, सो दैट कैन कॉस्ट यू समवेयर बिटवीन 4,000 to 4,500।
एंड द जर्नी वॉज सो गुड. इतनी सीनिक जर्नी थी, बहुत मज़ा आया. 3 घंटे ऑलमोस्ट लग ही गए एंड थोड़ा सा ब्रेक भी लिया था बीच में, बट ऑलमोस्ट 3 घंटे की जर्नी है. एनी वे, सो अभी फिलहाल बात ये है कि ओवरनाइट का स्टे तो हमारा यहीं पर है ही है, बट विल डू चेक इन थोड़ा बाद में. थोड़ा अभी का ये प्लान है कि सबसे पहले हम यहाँ से थाजवास ग्लेशियर की चलते हैं, बिकॉज बाद में थोड़ा लेट हो जाएगा. सबसे पहले वहाँ चलते हैं, हमने बीच में जीरा पास, जीरो पॉइंट ये सब भी जाना है. सो आइटनरी में बहुत कुछ है करने के लिए, तो सीधा अब यहाँ से सीन ये है कि ग्लेशियर तक पहुँचने के लिए हमें करनी पड़ेगी पोनी राइड. करनी ही करनी है, दैट्स अ कंपल्सरी थिंग. ट्रैक नहीं कर सकते, मतलब ऑफकोर्स इट इज़ फिजिबल, बट बहुत टाइम लग जाएगा. एंड तो पोनी राइड इज़ अ ग्रेट ऑप्शन. एंड 2 घंटे की बात तो है ये पूरा, जितना भी हमारा टू एंड फ्रो रहेगा फ्रॉम ग्लेशियर टू सोनबर्ग यहाँ पे बेस से. तो अभी मैं बात करती हूँ, बिकॉज वी आर अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल एंड पोनी के रेट्स आपको पता ही है कश्मीर में लाइक 7-8 thousand से भी स्टार्ट हो सकते हैं. लाइक दे विल गिव यू अपना खुद का कोई भी रेट, बट हमें यहाँ पे बारगेनिंग करनी ही करनी है. सो बारगेनिंग करती हूँ. 15 लोग हैं, देखते हैं पर पर्सन कितना पड़ता है फ्रॉम सोनमर्ग यहाँ मेन रोड से टू थाजवास ग्लेशियर. रस्ते में यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर माउंटेन्स हैं, यहाँ से बर्फ़ दिख रही है एंड थोड़ा हम पास जाएंगे वहाँ से. चलो मैं बात करके आती हूँ, फिर करते हैं जाने स्टार्ट. हाँ डन, 1600. आ जाओ 1600 रुपीज़ पर पर्सन. हो गया, हाँ हो गया. सो डेफिनेटली आप यहाँ पे ट्रैक करके जा सकते हैं ऊपर ग्लेशियर तक, बट बात ये है कि वो पूरा दिन ले जाएगा. सो हमें आज यहाँ पर और भी जगह एक्सप्लोर करनी है. सो पोनी राइड विल सेव आर टाइम एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने ये चूज़ करा. ऑल दो मैं खुद इस चीज़ को प्रमोट नहीं करती, जितना हो सके प्लीज़ इसे अवॉइड कीजिए. एंड यहाँ पे इन्होंने रेट स्टार्ट किया था समवेयर 3000 से, बट यहाँ पे थोड़ा बारगेनिंग करके ये फाइनली डन करते हैं 1600 पर पर्सन. अब धीरे धीरे कंफर्टेबल फील हो रहा है, पहले तो डर लग रहा था. पहले तो डर लगता है, बस इसको नीचे मत उतरने देना आप. देखो मतलब ये तो फन चल ही रहा है जो है वहाँ तक पहुँचने के लिए. मजा आ रहा है? सॉलिड. आपको नहीं आ रहा? बहुत मजा आ रहा है. हीना भाटिया. हीना भाटिया. व्यूज आर इनक्रेडिबल. अब तो इतनी अच्छी हवा चल रही है, तो धूप है तो हवा चलती है. हाँ बहुत अच्छा. सो अभी तो हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचे ही नहीं हैं, बट इतनी सुंदरता मैंने अपनी लाइफ में इससे पहले कभी नहीं देखी. एंड ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, बहुत ही सुंदर है. वी ऑल नो दैट कश्मीर इज़ हेवन ऑन अर्थ एंड इतनी सुंदरता देख के मन खुश हो गया. आई मीन यू कांट मिस दिस प्लेस. मतलब जब भी अपॉर्चुनिटी मिले यहाँ आने की, आपको तो यहाँ आना ही है. एंड वेट कीजिए, अभी आपको दिखाने के लिए और भी बहुत कुछ है. श्योर मैंने बीच में रिक्वेस्ट करके यहाँ पर मैंने बोला, उनको बोला कि मुझे उतार दो, क्योंकि यहाँ से व्यू इतना प्यारा है, मन ही नहीं कर रहा कि इसको छोड़ के जाए. यू नो नाउ जस्ट इंजॉय द व्यूज, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट द सीनरी एंड द ब्यूटी. एंड एंजॉय इट, जस्ट एंजॉय इट, इट्स सो लवली. जब मैं यहाँ पे व्यूज़ को एंजॉय कर रही थी, पीछे से कुछ बच्चे यहाँ पर चलकर आते हैं मेरे पास कि दीदी हमें यहाँ पे थोड़ा सा कुछ दीजिए, लाइक एज इन उनको थोड़ा पैसे दे दो या फिर खाने पीने को दे दो. तो बस मैं अपनी तरफ से जितना कंट्रीब्यूट कर सकती थी मैंने यहाँ पर किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा. ये लो, बाटों में कैसे हो?
कॉफी या कॉफी क्या है पीना? कॉफी नहीं पीनी, मैं खा रही हूं। ओके, दो कॉफी ना आपके लिए। कॉफी इनसे पूछो। हां कॉफी। चलो मैं पहले को, लेकिन पहले मेरी सलाह, बाद में कॉफी गरम चाहिए हमको। एक सेकंड, मैं ना वीडियो बना के आती हूं। ओके, सो हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल एंड पॉइंट पे, जहाँ से थाजबर्ग ग्लेशियर बिल्कुल लाइक जिसे कहते थे एंड पॉइंट, इसके आगे पौनी वगैरह जाती होगी मतलब, बट अगर आप थाजबर्ग ग्लेशियर के लिए बोलो एंड यहाँ पर आपको तीन चार स्टॉल्स मिल जाएंगे, मैगी के, चाय, कॉफ़ी, ये सब आपको मिल जाएगा। डेफिनेटली यहाँ पर मैगी खाएंगे, एक्सपेंसिव होगी बट ऑफकोर्स लंच का टाइम भी है एंड वर्थ इट है विद दिस ब्यूटिफुल व्यू। पीछे है थाजबर्ग ग्लेशियर, मज़ा आ गया, इतनी सीनिक मतलब पूरी की पूरी ब्यूटी इतनी ज़्यादा सीनिक है एंड फोटोज़ इतनी प्यारी आ रही है सबकी, बस अमेजिंग, दिल खुश हो गया। मैं जब लास्ट टाइम कश्मीर आई थी, आई वॉज नॉट एबल टू कम टू सोनमर्ग बिकॉज मैं आई थी विंटर्स में एंड विंटर्स में सोनमर्ग का पूरा जो रोड है वो बंद होता है, और अगर स्पेशली अगर हैवी स्नोफॉल हो तो। सो जब मैं आई थी तब वो पूरा बंद था एंड दिस टाइम आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू कम टू सोनमर्ग। सो मेरे पूरे ग्रुप के साथ मैं भी पहली बार यहाँ पर आई हूँ एंड अमेजिंग, डेफिनेटली सबको बहुत मज़ा आ रहा है, सब इन्जॉय कर रहे हैं। तो बस फिर अब सब यहाँ पर मैगी खाएंगे, आधा घंटा एटलीस्ट विल स्पेंड, क्योंकि हम थोड़ा वहाँ पर रुक गए थे फोटोज़ वगैरह करने के लिए, वहाँ पर 15 मिनट का ब्रेक हुआ, यहाँ पर भी आई थिंक आधे घंटे का ब्रेक आराम से हो जाएगा। किधर जाओ फिर, बहुत ठंडा पानी है। अरे मैं भी आया हूँ, पीछे मुड़ के देखो, हाय कर दो। ठंडा पानी है, चमका पैर। किसने कहा था जाने के लिए? मतलब कोई पोनी राइड नहीं जा रही है, सो यहाँ से ही यू गेट द बेस्ट व्यू ऑफ थाजबर्ग ग्लेशियर। यहाँ कभी अवलांच आया? अवलांच तो आते रहते हैं यहाँ पे भी विंटर में। अच्छा, विंटर्स में यहाँ अवलांच आते, यहाँ तो मुझे लगता है कि सारी बर्फ ही होती होगी, पूरा बर्फ ही बर्फ। चलो आप भी वीडियो में हाय कर दो, बोलो हाय इनके साथ। मैं जो वो है ग्रेट लेक्स है, 7 ग्रेट लेक्स ना, वो आपके साथ कश्मीर ग्रेट लेक्स, वो मैं प्लान करूँगी, देखते हैं कब हो पाता है, ये कराते हैं ट्रैकिंग वगैरह। और ये है हीना भाटिया, आपकी खा गए होंगी। मेरी 2 करो इस बात पे, हमने दूसरी मंगा रही है, मेरी 3 करो इस बात पे, मेरी 2 करो, दो और दो चार कर दो, चार या पांच, चार चार चार। क्वांटिटी कैसी थी? हाँ, दो प्लेट से चार चार, अभी चार। ओके सर, सो बस ये पहाड़ों वाली डिलीशियस सी मैगी खाने के बाद इट वॉज टाइम टू से द हार्डेस्ट गुड बाय। मेरा बिल्कुल मन नहीं था यहाँ से जाने का, एंड मेरा क्या किसी का भी मन ना करे इतनी सुंदर जगह से वापस जाने का, बट द जर्नी शुड कंटिन्यू हो रहा है। बट यहाँ पर डेफिनेटली मैं दोबारा आऊँगी ही आऊँगी, ये जगह ऐसी है कि जितनी बार यहाँ पर आया जाए उतना कम, बहुत बहुत सुंदर। फटाफट एक अपडेट देती हूँ आपको, हम नीचे आ चुके हैं थाजबर्ग ग्लेशियर से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये है दैट मेन रोड एंड हमारी वो बस खड़ी देखिए पार्क होकर। अब यहाँ से हम जा रहे हैं फटाफट 0.0 पास के लिए बिकॉज अभी 4 बज गए हैं, बहुत लेट हो गया है। एंड यहाँ से आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि हमें करनी पड़ती है यहाँ से यूनियन टैक्सी। आपको जब तक मैं सारा डिटेल देती हूँ कितने यहाँ पर चार्जेस होते हैं, आप देख सकते हो 2 यहाँ पे
ऑटोमेटिक सवारी है जो हमें लेके जाएगी जजीरा पास एंड जीरो पॉइंट, बिकॉज ये जो बस है वहाँ पे इसको ले जाना इट्स नॉट अलाउड, दे हैव देयर सेपरेट यूनियन। सो बेसिकली आप जो श्रीनगर से यहाँ पर टैक्सी करके आओगे सोनमर्ग के लिए, वो सेम टैक्सी आपको यहाँ पर लोकल नहीं घुमा सकती, जैसे कि जीरो पॉइंट, जिला पास या इवन मार्केट भी आपको यहाँ की लोकल जो यूनियन वाली टैक्सी है वो लेनी ही पड़ेगी। एंड इनके चार्जेस थे 4000 समथिंग, 4500, वैसे दिल से अगर बार्गेनिंग करोगे तो 4000 में भी मान जाएंगे, 4000 यहाँ से जीरा पास जाने के लिए, एंड विच इज़ नॉर्मली 20 किलोमीटर्स, इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है बट चार्जेस बहुत हाई होते हैं इनके। एंड या सो यहाँ से अब हम जाते हैं वहाँ पर, एंड वो भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडमार्क है एक्सप्लोर करने के लिए। मुंबई का फैशन, कश्मीर का मौसम, दिल्ली का सरकार, लेडीज का मूड कभी भी बदल सकता है, जो कि अभी देखो हल्की हल्की बारिश होना स्टार्ट हो गई है। रोको इसको, हम वहाँ पे रुकना है, हमने फोटोज करवानी है। डोंट वेयर दिस चीज़ करी, इतनी गर्मी है अभी तो, इतनी धूप की, अब बताओ। ये मैंने बोला था ना, यहाँ कश्मीर में जैसे यहाँ का मौसम है ना, इसे मुंबई का फैशन भी पता नहीं चलता है, फैशन का हर जगह ऐसे। हाँ, हेलीकॉप्टर से जाता यहाँ से यहाँ से ये बादल आ गए, ये हेलीपैड है यहाँ पे, अमरनाथ पे हेलीपैड है। अच्छा, यहाँ से जो हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता है यहाँ से हेलीकॉप्टर है। अच्छा, ये हेलीपैड का पूरी मार्केट में गाइस, कहीं पर भी फ्लैग नहीं मिला, पता है आपको ये चीज़। तो इवेंचुअली सोनमर्ग के पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे जाके हमें एक आर्मी पर्सन ने फ्लैग दिया। बट अगर आप सोनमर्ग की पूरी मार्केट में, मतलब वहाँ पे सब ऑलमोस्ट कितनी सारी शॉप से मैंने पूछा, कोई भी यहाँ पे इंडिया का फ्लैग सेल नहीं कर रहा। बेसिकली अब इसके पीछे का रीज़न समझने वाले समझ गए होंगे, ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाऊँगी, बट ओके दैट्स फाइन, हम करते राइट नाउ। आई एम शिवरिंग, इनफैक्ट एवरीवन इज शिवरिंग हियर, एकदम से वेदर चेंज हो गया, हाथ बुरे सुन हो रहे हैं, अब हाथ से आपको लग रहा होगा कि कितनी ठंड है यहाँ पर, बारिश आ रही है ऊपर से, द व्यूज आर रियली अमेजिंग। एंड अभी तो हम लद्दाख में खड़े हैं, क्योंकि इस साइड जैसे ही आप ये का बोर्ड क्रॉस करोगे इस साइड लद्दाख है, एंड नाउ वी आर गोइंग डाउन, बिकॉज बहुत ठंड है, बट मस्ती या फिर भी चल रही है, बारिश भी हो रही है मस्ती, लेकिन मस्ती को हम नहीं रोक सकते, फोटोज मस्ती एंड
ओके सो विद दिस गाइस आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन एंड इसका वीडियो अभी नहीं ख़त्म करना, होटल जाके करती हूँ बिकॉज आई नो आपको होटल का टूर देना है, हम कहाँ से कर रहे हैं, थोड़ा डेट करती हूँ अभी जाते भी एक घंटा लगेगा देन चेक इन करेंगे 8 बजे के राउंड आपसे मिलती हूँ थोड़ा फ्रेश वगैरह होके एंड ठंड हो सो इन सोनमर्ग वी वर स्टेइंग एट होटल बार्समैन एंड ये बहुत ही सीनिक लोकेशन पे है गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पर एंड ये क्लिप मैंने मॉर्निंग में शूट किया था ताकि आपको मैं व्यूज अच्छे से दिखा पाऊँ. पूरी हो चुकी है मेरी बट आई हैव जस्ट चेक्ड इन इनटू द रूम. टोटल हमारे 8 रूम्स है इस पूरे होटल में. अब होटल का नाम क्या है, यूजुअली आपको ऑन एन एवरेज यहाँ पे कितना रूम पड़ सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं देती हूँ एंड बिकॉज फिर उसके बाद रूम गंदा हो जाता है तो सबसे बेटर है कि जैसे चेक इन करा है वैसे ही रूम का थोड़ा सा टूर दे दो एंड दैट्स बेस्ट. सो छोटा सा टूर देते हैं, मैं थक गई हूँ, देन इसके बाद हमारा डिनर होगा क्योंकि अभी हम 8 बज रहे हैं फिलहाल एंड इतना लेट हो गया. पूरा दिन हमारा आज घूमने फिरने में गया है बट बहुत ही प्यारा दिन रहा है एंड ओके सो लेट्स हैव अ टूर ऑफ द रूम. सो एंट्री वहाँ से है, बाहर का टूर बाद में देती हूँ, पहले इस रूम का टूर देते हैं. सो विद दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड मैंने सोनमर्ग की प्रॉपर ट्रैवल गाइड आपको एक प्रोवाइड करने की कोशिश करी है एंड ये बहुत ही सुंदर जगह है. कश्मीर आ रहे हो तो सोनमर्ग तो आना ही है आपको. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, सिर्फ एक छोटा सा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया तो. एंड मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैप्पी ट्रैवलिंग.